तो कहानी शुरू होती है बकायदा जिंदा सुपरमैन से, जिसके मुंह पे शायद मधुमक्खी ने काट लिया है। What the hell is even that? हटाओ यार, हटाओ इसे, मुझे टीनेजर्स के व्लॉग्स नहीं देखने, हटाओ। Hi friend, Metropolis. सुपरमैन को मिलने के। Meanwhile, वहाँ गौतम शहर में ये चोर मस्त मालपानी चोरी करके निकल ही रहा होता है कि आई लव बैटमैन, I'm vengeance. जरा गोली मार के देखता हूँ। Wrong move, brother. Oh, fuck you, so dead. अब पिटो। चूतिया आदमी। लेकिन बैटमैन तो इसका डर यूज करता है शैतानी तितली को बुलाने के लिए, और उसके साथ योर मेरा तितलियां वर्गा कर रहा है। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, बताओ बदतमीजी की हद होती है कि तभी ये आवाज सुन के बौखला जाता है। गाड़ी मेरी टू सीटर उसमें लगा है, और उसकी गांड फट जाती है लाइक लिटरली, और ये हरा जूस और 3 बक्से छोड़ जाता है दीवार पे। लेकिन बैटमैन इज लाइक ओह माय गॉड, और ये वहाँ से निकल जाता है उस चोर से कैजुअली बात करते हुए कि तरह मुझे लगता है इनको ना सुपरमैन के लुढ़कने का खबर मिल गया रिपब्लिक टीवी से। मैंने पूछा तेरे को मादर, और वेल सारी दुनिया सुपरमैन विद चड्डी अंदर दिस टाइम को मिस कर रही है। या राइट, जब जिंदा था तो पेट भर के गाली दे दिया, अब मरने के बाद नहीं नहीं हम तो उसके बहुत बड़े फैन थे, उसकी सारी मूवी देखी हमने, बहुत बड़े फैन है यार, जस्टिस फॉर सुपरमैन विद चड्डी अंदर करते हैं, चलो। वहाँ इसकी छपरिया बेचारी दुखी है, और उसकी माँ का घर बैंक खा गया, चोर है साले, और क्राइम तो ऐसे हो रहा है जैसे सुपरमैन विद चड्डी अंदर के होते हुए होता ही नहीं था बिल्कुल, है ना। ये खून खराबा बहुत हो गया, कोई और धंधा करते हैं। मीनवाइल नानी गई लंदन, कट गई उनकी गर्दन। ये क्या कर रहे हो यार, सॉरी नॉट सो डार्क, हां डीसी चल रहा है ना, भूल गया था। लंदन में कुछ रैंडम आतंकवादी बस आतंकवाद मचा रहे हैं, और अपनी गलगदत इन्हें मचा रही है, बिकॉज़ वेल एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ना बंदी को। वहाँ अपने ब्रूस चाचा जाते हैं अपने जल परे के पास, और डैम ब्रूस क्या हालत बना रखी है अपनी यार, पक्का ये कोई बकवास सा रेगुलर हेयर ऑयल यूज करते होंगे जिसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जैसे कि सिलिकॉन और मिनरल ऑयल, यार बालों को बर्बाद कर रखा है बिल्कुल। लीड हो यार तुम, लीड कैरेक्टर हो, बैटमैन हो तुम, कुछ तो शर्म कर लो। यू नो व्हाट, आई वुड रिकमेंड यू टू ट्राई उस तरह का आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। जी हाँ, आयुर्वेदिक मतलब इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, और तो और ये फर्स्ट एवर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वेरीफाइड आयुर्वेदिक प्रोप्रिएटरी मेडिसिन है, मेड स्पेशली फॉर मेन। एग्जैक्टली या, तो आपके स्कैल्प्स और बालों पे ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, और आपके बालों को हेल्दी भी रखेगा। और तो और उस तरह का आयुर्वेदिक हेयर ऑयल जिसमें 8 अलग किस्म के नेचुरल हर्ब्स हैं जैसे कि अश्वगंधा, भृंगराज, नीम और भी कई सारे नेचुरल हर्ब्स, इससे बालों पे मसाज करने से आपके स्कैल्प्स तो हेल्दी रहेंगे ही, साथ ही साथ हेयर फॉल जैसे डैमेजेस से भी बचाएगा, और जी हाँ डैंड्रफ से भी दूर रखेगा, और आपके बालों के नेचुरल कलर को भी प्रिजर्व करेगा। हर 2 महीने में बालों को काला नीला पोतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस यू वांट टू, कांट फोर्स यू। और अगर बालों पे अच्छे इफेक्ट्स चाहिए तो रात के टाइम उस तरह आयुर्वेदिक हेयर ऑयल की चंपी करो, और चुपचाप से फोन नीचे रख के बाबू सुना को बिना रिप्लाई करे सो जाओ, सुबह बात कर लेना, और सुबह तक बालों में डिफरेंस देखो, मतलब फिर मतलब देखो तो सही। और हाँ, डरने की बात नहीं है, उस तरह आयुर्वेदिक हेयर ऑयल इज नॉन स्टिकी, तो ये चिपचिप भी नहीं करेगा, तो आप इसको आराम से दिन में भी लगा सकते हो। एंड वेल ऑल यू विल गेट इज सम हेल्दी गुड हेयर माय डियर फ्रेंड। यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम उस्तरास ऑफिशियल वेबसाइट, और मेरे दिए हुए कूपन Yogi10 से अभी जाके ऑर्डर करोगे तो 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट Amazon और Flipkart पे भी अवेलेबल है, तो देर किस बात की यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जल्दी से जाके वीडियो खत्म करके ऑर्डर कर लो। वहाँ अपना ब्रूस वेन चाचा जाते हैं अपने जलपरे के पास बोलने की मैटर होने वाला यार, हम आदमी लोग जमा कर रहे हैं, चलोगे? तो he's like, ए छोटू, ए चल चल, मेरे को और कोई काम धंधा नहीं है क्या? बैटमैन, हाँ गाँव वालो, अरे यही बैटमैन है, फोटो लेना साले का, मैं चला कूतरे साला। तो अपना अल्फ्रेड बोलता है अच्छा चलो हम गल गदत को कॉल करते हैं, और चिट्ठी रोबो का भी हम देखते हैं, तुम जाके वो बहरी आलन को लेके आओ, अपने बाप से जेल में मिलने गए, अरे अरे उसकी अम्मा का हत्या कर दिया था साला, लेकिन हम सबने फ्लैश देखा यार, वी नो ही इज इनोसेंट, ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ ना यार, अभी तक यही हो, शाम तक आएंगे, ठीक है। Meanwhile, Chitti the Robo, who was in an accident, लेकिन उसके scientist बाप, not Dr. Vasikaran, ने इसे बचाया था, उससे रूट के बैठा है कि आए मेरा बाप पहले आ, अरे I know तूने मेरे को बचा के Chitti Robo बना दिया, लेकिन I can also fly now and hack into things, but well, yeah, I am still sad, कहे कि I'm an ungrateful fuck dude. Sorry. लेकिन not Dr. Vasikaran के lab में है intruder, oh scary. Meanwhile, गलगदत के आइलैंड में राड़ा होने वाला है, कहे कि माँ का टब्बा जाग गया, और बूम फर्स्ट ड्राफ्ट वाला स्टेप इन वुल्फ भी आ गया। डैडी चिल। बस फिर सब खड़े होके से देख रहे हैं, अबे गोली मारो, तीर चलाओ, लेकिन नहीं, वेट करेंगे उसकी शैतानी तितलियों का। तो वेल माँ का टब्बा लेके भागो, कहे कि वो उसी के लिए आया, तो भाग, अबे घोड़े पे भाग।
दूसरे घोड़े पे भाग, रस की माँ का गिर गई। ओहो, फर्स्ट हाफ वाला स्टेपन वुल्फ से लेके टेलीपोर्ट। कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं, बस थोड़े से लौड़े लग गए हैं, तो अपन सब ये टापू छोड़ के तो नहीं जाएंगे, बिकॉज अपना मूड नहीं है। तो ये तीर में आग लगा के ये टूरिस्ट स्पॉट में आग लगा देते हैं। गलगदर इसे देख के समझ जाएगी कि आइला लौड़े लग गए। तो ये जाती है अपने ब्रूस चाचा के यहाँ और बोलती है, ब्यूटीफुल हाउस, थैंक्स अ लॉट। सुन मेरी बात, लौड़े लग गए हैं, ठीक है, चल तेरे को थोड़ा बैक स्टोरी बताती हूँ। हाँ, तो बहुत साल पहले, नहीं मतलब जब तू, तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा परदादा, अरे कोई पैदा ही नहीं हुआ था, समझा। हाँ, तो तब धरती पे भजब मैटर हो गया, मैं बताऊँ। और डार्क साइड, सॉरी आई नेवर सेड दैट नेम, ये फर्स्ट ड्राफ्ट वाला स्टेपन वुल्फ माँ के तीन डब्बे मिला के, समझ रहे हो, माँ के तीनों डब्बे मिला के धरती का कचरा बना रहा था और लोगों को यार मेरा तितली वर्गा बना रहा था, हराम ज्यादा। तो ग्रीन लैंडर्स, हाँ वो भी है इस मूवी में, जलपरी लोग, मेरी टापू वाली औरतें, ये सब मिलके उसको इतना पहले कि उसकी गांडी फट गई, मतलब भाग गया सर। और हमने क्या किया ना, हमने तीनों माँ के डब्बों को अलग अलग जगह रख दिए, बोले तो एकदम अलग, मतलब आदमी की पहुंच से दूर, समझ रहे हो, मस्त प्लान है। अभी कैसा है कि चड्डी अंदर वाला सुपरमैन मर गया ना, तो साला इनको खबर पता चल गया, मतलब रिपब्लिक टीवी से, क्या बताएं अभी। तो बेटा चलो, अभी आदमी लोग जमा करते हैं राडे के लिए, कहे कि जस्टिस लीग सेटअप करना है हमें, ठीक है। I know, सबका बैकअप स्टोरी दिखाना चाहिए था पहले अच्छे से, लेकिन यार अभी अवेंजर्स का कंपटीशन में कुछ तो देना पड़ेगा ना मार्केट में यार। अच्छा वैसे पीछे मत देखना, ये साइबोर्ग है ना, वो गंडू, हाँ वो छुप के देख रहा अपने को, चिट्टी रुको, हाँ वही क्रीपो साला। तो ब्रूस चाचा जाते हैं बैरी एलन को लेने, हु इज इन द टीम और कॉमेडी भी कर रहा है। इसके बाल बार बार चेंज कैसे हो रहे हैं, डैम दीस रीशूट्स, वी वुडंट नोटिस बट वी डिड। तो वेल, अपनी गलगदत को चिट्टी रोबो एड्रेस देके बुला लेता है, जस्ट उससे कि अरे नहीं बाबा मैं नहीं आ सकता, भाई वहाँ बैठ के मैं ही बोल देता, फालतू का पेट्रोल खर्चा करवा रहा है, पता भी है कितना महंगा हो गया, साला रोबो लैंड कहीं का। Meanwhile, अपना जलपरा is doing the जलपरा thing, लोगों को बचाना और एक बॉटल चक करके लीवर खराब करना, जो किसकी होती नहीं। आरू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया। इतना नहीं पीते रे बाबा, डूब के ही मर जाएगा साले, समझा, कुछ भी। लेकिन वहाँ पानी के अंदर माँ का डब्बा जाग गया। अरे यार इसे अटलांटिस में रख लेते यार, वहाँ तो एंट्री का लफड़ा था ना, नहीं मतलब आई मीन एक्वामैन इसके बाद आई थी, मैंने देखा था यार, ऐसे खुले में बाहर रखा ही क्यों है, चूती हो तुम। हाँ। सस्ते गार्ड्स के साथ और इसकी रखवाली कर रही है, ओ, ओ, एम्बर हर्ड, टाओ यार इसको यार। लेकिन वहाँ फर्स्ट हाफ वाला स्टेपन वुल्फ आ जाता है और अंडर वाटर लफड़ा शुरू, जहाँ सब पिट रहे हैं लिटरली, और डालो यहाँ पे इंटर्न्स को, हैं? इवन तो तुम्हारे पास शार्क्स भी हैं, घातक वाले हैं। Fish are friends, not food. लेकिन वहाँ अपना जल पर आके लड़ने लग जाता है, लेकिन ये भी पिट गया और फर्स्ट हाफ वाला स्टेपन वुल्फ तो एम्बर हर्ड बोलती है, हाँ लड़का, अरे अब आए हो इधर, तो सुनो हमारी बात, तेरी माँ रानी थी, यू नो, यहाँ की रानी, और वो इसे प्रोटेक्ट करती थी, समझे, तो हम में से बाकी लोग को घंटा हेल्प करेंगे हम लोग, हैं ठीक है, लेकिन आर्मर और एक पिचफोक दे रही हूँ मैं, जाके लड़ाई कर ले, माँ के डब्बे को लेके आना, समझा भाई, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। Meanwhile, अपना फर्स्ट ड्राफ्ट वाला स्टेपन वुल्फ रशिया के किसी गांव में पहले दो माँ के डब्बों को मिला के बोलता है, चलिए शुरू करते हैं, और यहाँ ये लोग नॉट डॉक्टर वसीकरण को भी अगवा कर लेते हैं। एंड वेल, सिंस शैतानी तितली बैटमैन जैसे दिखते हैं, तो शक है ऑन बैटमैन, अच्छा, लेकिन अपने स्पाइडरमैन का फोटो डिमांड करने वाला दरोगा बैटमैन और टीम को कहता है कि इतनी रात को कहा, ओह चिट्टी रोबो भी आ गया, अच्छा बेटा बाप गायब हुआ तो सबकी गांड फटी है, हाँ तो नेवर माइंड, वो कहता है कि ये देखो अरे पैटर्न बनाए हैं हम, है समझा, ये लोग साला जमीन के अंदर होंगे पक्का, जाओ लड़ो। तो ये जमीन के अंदर जाते हैं, जहाँ फर्स्ट ड्राफ्ट वाला स्टेपन वुल्फ आदमी लोगों को उठा के बोलता है, हमारी अम्मा का डब्बा दे दे रे, अब मार देंगे जान से, कदम से बता रहे हैं साले, डार्क साइड की कसम, अरे अपोकलिप्स की कसम भाई, माँ बहन भाई बाप सब एक कर देंगे, बता रहे हैं हम, डब्बा बता दो कहाँ है। एंड फ्लैश की फटके चार, ये गन फटके, तो वेल लड़ना तो पड़ेगा। तो राड़ा शुरू, जहाँ चिट्टी रोबो अपने बाप को बचाता है, गलगदत मस्त लड़ रही है लेकिन पिट रही है, बैटमैन लड़ रहा है लेकिन पिट रहा है, चिट्टी रोबो भी लड़ रहा है लेकिन पिट रहा है, फ्लैश सबको बचा के लड़ रहा है, बट देन अगेन पिट रहा है, व्हाट द फक डूड, ऐसे कैसे चलेगा मूवी, पागल है लो। हाँ। इवन बड़का रोबोट भी किसी काम का नहीं आ रहा भाई। तो फर्स्ट ड्रॉप वाला स्टेपन वुल्फ वहाँ का दीवार तोड़ के अंडरग्राउंड को मुंबई इन मॉनसून बना देता है। तो जलपरा आउट ऑफ नोवेयर इन द कॉस्ट्यूम टू द रेस्क्यू, और सब बच गए। लेकिन चिट्टी रोबो इज लाइक, अरे हमरे पास है माँ का तीसरा डब्बा,
चलो डायलॉग बाजी करते हैं। चलो। तो ये लोग ब्रूस चाचा के घर जाते हैं, कहे कि चाचा अमीर है यार, है? मतलब नहीं नहीं विधायक नहीं है, मतलब सबका खाना पीना रहना अफोर्ड कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। I'm rich Batman. Oh my gosh. एंड इन लोगों को पता चलता है कि माँ का डब्बा धरती हिला सकता है और इसमें है चीजें जिंदा करने का पावर। तो वेल क्यों ना सुपरमैन में चड्डी अंदर को जिंदा करे। अरे भाई पागल हो गया तुम। आई डिडंट से दैट, मतलब यू नो कर सकते हैं। एंड वेल सिंस सब यूजलेस हैं, इवन दो इस औरत ने एक भगवान, लिटरली एक भगवान को मार दिया था, तो ये लोग जाते हैं मार्था के बेटे की लाश चोरी करने जनरल जॉर्ड के टूटे हुए शिप पे, जहाँ इन लोगों को डर है कि चांगला मानो जिंदा हो गया तो दिमाग से येड़ा निकला तो सबको कूट देगा, खूब कूटेगा, कतई पकड़ के खूब। सच में बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा ना यार। तो चलो उसे जंप स्टार्ट करके जिंदा करते हैं एंड बूम वो जिंदा। लेकिन येड़ा कुछ ज्यादा ही येड़ा, बस सबको पटक पटक के मार रहा है भाई, इवन अपने बैटमैन को भी पेल देता है। लेकिन सांगला मानुस है चमड़ी ही, मतलब नॉट रियली, प्यार में बेचारा यार, चमड़ी नहीं प्यार में बेचारा। तो जोरू देख के पिघल गया दिल इसका, वाह बेटा वाह, और ये जोरू को लेके भाग भाई। लेकिन ये चूतिए लड़ने में इतना बिजी थे कि फर्स्ट ड्राफ्ट वाला स्टेपन वुल्फ माँ का तीसरा डब्बा लेके गायब। वाह चूतियो वाह वाह, यू गाइस हैड वन जॉब, लिटरली जस्ट वन, सुपर हीरो तुम चूतिए, सुपर हीरो समझे। एंड वेल अब सब भड़के हुए हैं कि अरे साला प्लान फेल कैसे हो गया, साला गांड लग गया सबका, अरे चट्टी रोबो बहुत भूख लगी है, एक केला दो ना। व्हाट द एक्चुअल फक, चल बाकी के माँ के डब्बों का लोकेशन ढूंढ ले तो मारेंगे, वायर खींच दूंगी तेरा समझा। मैं जाके जरा बैटमैन के साथ थोड़ा रोमांस कर गया, आई मीन दारू, दारू मेरा मतलब दारू, रोमांस क्या होता है आई डोंट नो। अच्छा दारू। यहाँ तो शराब वराब चल रहा है भाई। सुपरमैन की जोरू बोलती है हर सूजे मुंह वाले लांडे आगे बेटा, अरे चलो वापस भी निकलो, अरे नहीं निकलो बेटा, चने के खेत में बकचोदी पहले नहीं बुलाया तुमको यहाँ पे, लास्ट में जाके लड़ाई भी करना है साले, और हाँ बेटा मरियो मत बेटा, वरना कसम से बता रही हूँ तेरी लाश को आग भी नहीं नसीब होगी समझा। मीनवाइल रशिया में ये तीनों माँ के डब्बे को मिला के सबकी माँ की आंख करने में लगा है, तो लोकेशन मिल गया तो चलो कॉस्ट्यूम चमका लो, सीजीआई वाली लड़ाई करनी है यार, तो चलो चलो सीजीआई वाले प्लेन में बैठ के उड़ के जाते हैं, प्लेन में थोड़ा कॉमेडी भी कर लेते हैं मूड लाइट करने के लिए, गान तो सबकी फटने वाली है और स्टूडियो को लाइट मूड वाला मूवी बनाना है, स्नाइडर गया गान बोलने। Did I miss something? Yeah, sure. That didn't last long, did it? तो ये जाते हैं रशिया विदाउट पासपोर्ट, जहाँ राड़ा करना है यार, राड़ा करना है, राड़ा है पहले था बाटा, बिकॉज दैट्स हाउ ऑल जेनेरिक सुपर हीरो मूवीज वर्क, लास्ट में राड़ा। Yes, exactly, exactly. तो बैटमैन अकेले हीरो बन के राड़ा कर रहा है, तो इसको साला अकेले फुटेज कैसे दे दे, चलो शैतानी तितली को उड़ उड़ के मारते हैं। एंड वेल जो दो लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो अंदर जाके घुस के फर्स्ट ड्राफ्ट वाले स्टेपन वुल्फ को पेल नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। उससे पिटना स्टार्ट कर देते हैं। या दैट साउंड्स राइट। अब मुझे लग रहा है ना, मतलब यार वो भगवान एरीज कमजोर था यार। हाँ। लेकिन वहाँ सिविलियंस को भी बचाना है, कहे कि मैन ऑफ स्टील वाला बैकलैश नहीं चाहिए है ना, तो वॉली वेस्ट सॉरी बहरी बहरी एलन भाग के, कैसे भाग रहा है भाई, लेकिन अपना फर्स्ट ड्राफ्ट वाला स्टेपन वुल्फ सबको पेल रहा है। एंड वेल बैटमैन हु इज अ जोक इन द मूवी, अरे रे रे नहीं, अरे हाय 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 हाय, चीड़ डाला बेटा, चिट्टी लोगों को बीच में देख रहे हो, मतलब डब्बों को अलग कर रहा था, चू दिया तुमसे ना हो पाएगा। तो वहां आ जाता है सच में जिंदा विद चड्डी अंदर सुपरमैन और ले मुक्का, अरे फिर से मुक्का, दो मिनट रुको जरा इंसानों को बचा के आता हूँ यार, तब तक तुम पिट लो थोड़ा। हेलो फ्लैश, इतना खुश क्यों लग रहा है गंडू, चलो चलो इंसान बचा लिया, अरे ले मुक्का, अरे फिर से ले मुक्का, ले तीनों माँ के डब्बों को अलग बिगड़ दिया, ले तेरे कुलाड़ी में फूक दिया, ले गलगदा ने तेरी कुलाड़ी की माँ तोड़ दिया। एंड सिंस अब ये हार गया है तो बाय बाय। एंड वेल ये जीत गए, या जस्ट लाइक दैट, और फॉर सम रीजन ये जगह पैंडोरा बन रहा है, what the fuck is happening है चुतिया पा। एंड अब सिंस सब अच्छा हो गया है तो ब्रूस चाचा अब इसका घर भी बचा लेते हैं, सीधा बैंक खरीद के, हाँ साले जब घर गया था तब कहाँ था बे नौटंकी साले। एंड वेल चिट्टी रोबो को नया बॉडी मिल गया, सही है बेटा, गल गदद वंडर 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 वुमन वंडर वंडर कर रही है, फ्लैश को जॉब मिल गया स्टार लैब्स में, या राइट अब मिला, नहीं सही है नहीं, और ये टूंडो की तरह भाग रहा है, बट सीरियसली यार ये ऐसे क्यों भाग रहा है बे।
और जल भरा दारू पी के पानी में उड़ रहा है। ऑल्सो नाउ जिंदा सुपरमैन विद चड्डी अंदर और टूंडा फ्लैश रेस भी लगाते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन में। और लीजन ऑफ डूम का भी सेटअप है कुछ, विच इज आई डोंट नो इंपॉर्टेंट और नॉट। WB यार कांट ट्रस्ट दीज डूड्स, कम ऑन, पागल है साले। इस मूवी का नाम जस्टिस लीग की जगह कुछ सुपर हीरोज हु आर यूजलेस विदाउट सुपरमैन, फीचरिंग स्टूडियो का कांस्टेंट इंटरफेरेंस, रीशूट्स और एवेंजर्स के कंपटीशन में कुछ तो डालना पड़ेगा ना यार, होना चाहिए था, ज्यादा सेंस बनता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने हमारे दूसरे चैनल योगी बाबा प्रोडक्शंस पे वीडियोस डालना फिर से शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्द खाना पकाना सीजन 2 और साथ में लड़की कमाल सॉन्ग का ऑफिशियल वीडियो भी आने वाला है और साथ ही साथ और भी कुछ चीजें आती रहेंगी, यू नो। तो जल्दी से जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार और 100K पहुंचा दो उसे भी, मतलब देर किस बात की है, लग जाओ काम पे। और यहां तक आए हो तो बेटा ये चैनल भी सब्सक्राइब ही कर देना, मुझे पता है बहुत लोग देख रहे हैं बिना सब्सक्राइब के, शर्म नहीं आती तुमको है? दिन रात है मैं मेहनत करके तुम्हारे लिए वीडियो बना, शर्म नहीं आती तुमको? पता ही। बट देन अगेन, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आए तो शेयर कर देना। बस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में यार।